శివం శివం జటాటవీ గలజ్జల ప్రవాహ పావితస్థలే గలేవలంబెలంబితాంబుజంగ తుంగమాలికాడ్డమడ్డమడ్డ. ఓం సర్వే భవంతు సుఖినః, సర్వే సంతు నిరామయా, సర్వే భద్రాణి పశ్యంతు మా కశ్యతు భాగ్భవే. ఏ స్పిరిచువల్ ప్రొడక్ట్స్ ఆప్కు shivago.com పే ఆథెంటిక్ ఆర్ జెన్యూన్ మిలేంగే. నమస్కార్, ఆప్ సబ్కా హమారే ఛానల్ శ్రీమద్ హోమ్ రెమెడీస్ పర్ స్వాగత్ హై. ఆర్ హమ్ ఆప్కో బతాయేంగే ఇస్ వీడియో మే కి దేఖియే ఆజ్ వైరసెస్ కి బాత్ కీ జాతీ హై, వైరస్ కి. తో హమ్ చమగాదడ్ కి బాత్ కర్తే హై కి భాయీ, చమగాదడ్ సే ఇన్సాన్ మే తో ఫైల్ చుకా హై, బహుత్ సారే వైరస్ హై. తో చమగాదడ్ వైరస్ కా బాహక్ బన్తే హై, మత్లబ్ ఫైలానే కా కామ్ కర్తే హై. పర్ ఖుద్ చమగాదడో కే బీచ్ మే కోయి భీ వైరస్ యా కోయి భీ బీమారీ నహీ ఫైల్తీ హై. తో ఇస్కా కారణ క్యా హై, హమ్ ఉస్ కారణ కో పహలే బతాయేంగే. దేఖియే, యహాన్ పర్ హమ్ ఆప్ సభీ కే మన్ మే ఏక్ సవాల్ అవశ్య ఉఠతా హై, ఆప్కే మన్ మే భీ, హమారే మన్ మే భీ, కి ఇతనే సారే వైరస్ కో లోగో కే అందర్ ఫైలానే వాలే చమగాదడ్ ఖుద్ ఇతనే సిక్యూర్ కైసే రహతా హై. तो ये है उनके रहने की शैली के ऊपर. चमगादड़ अपने खुराक की तलाश में अक्सर बहुत लंबे लंबे सफर तय करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में मौजूद ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा इसी उड़ने के काम के लिए खर्च हो जाता है. इसके अलावा ज़्यादा शारीरिक काम करने के चलते इनके शरीर के अंदर होने वाली जैविक क्रिया काफ़ी तेज हो जाता है, जिससे इनका प्रतिरक्षा तंत्र भी काफ़ी तत्पर और ताकतवर बन जाता है. मतलब हम जब बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ना, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो कैसे हमारी सारी चीज़ें बहुत स्ट्रांग होती चली जाती है जितनी मेहनत करते हैं, तो सेम चीज़ उन पर भी लागू होता है. इसी कारण से उनको वायरस कभी बीमार नहीं बना पाती है, और यही वजह है कि चमगादड़ों को बहुत प्रकार के वायरस अपना घर बनाते हैं, क्योंकि इसमें ना ही चमगादड़ को कोई हानि होती है और ना ही वायरस जाकर उनके प्रतिरक्षा तंत्र को बिगाड़ सकता है. तो चमगादड़ के शरीर में वायरस का तो सिर्फ एक ही काम होता है, सेल्फ रेप्लिकेशन के जरिए अपना विस्तार करना, जो कि अन्य किसी जीव में इतने तेजी से नहीं हो सकता. तो वायरस एक बार किसी चमगादड़ के अंदर प्रवेश करने के बाद वो वहां पर कई समय तक अपना विस्तार भी कर सकता है. अब हम आते हैं उस बात पे कि ये चमगादड़ वायरस के वाहक क्यों बनते हैं, क्यों फैलाते हैं, कैसे फैल जाता है. देखिए, मूल रूप से चमगादड़ ऐसे जीव होते हैं जो कि अपनी अनोखी शारीरिक संरचना के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा इन्हें जानवर और पक्षियों के बीच का सेतु माना जाता है. तो अब तक हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो चमगादड़ों के अंदर लगभग 137 प्रकार के वायरस को तलाश किया है, और चमगादड़ से होने वाली बीमारियां इंसानों के लिए समय समय पर काफ़ी खतरनाक साबित होती है. जैसे निपाह वायरस था तो लोगों के मरने की औसत 90% से भी अधिक थी. तो इसके चमगादड़ से जुड़ी कई ऐसी बीमारियां हैं जिसका आज तक कोई इलाज या दवा है ही नहीं. चमगादड़ों के अंदर प्राथमिक तौर पर लगभग समझ लीजिए 55 से अधिक जेनेटिक वायरस होते हैं, जो कि बहुत ही सरल तरीके से इंसानों को बीमार कर सकते हैं. एक चमगादड़ के अंदर कम से कम 1.8 वायरस होते ही हैं, मतलब 2 जेनेटिक वायरस, जो कि इंसानों को गंभीर रूप से बीमार कर सकती है. और आज के समय में आप चमगादड़ों को ज़्यादातर उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही देख पाएंगे, और विडंबना ये है कि पृथ्वी की कुल आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसी उष्णकटिबंधीय इलाकों में ही रहता है. तो भारी आबादी के कारण अक्सर चमगादड़ और इंसानों की आपसी संपर्क बैठ ही जाता है, जिससे कि कई सारे वायरस हमारे अंदर आखिर में फैली जाती है. तो यही कारण है कि ये बहुत तेज़ी से फैलता है,
दूसरों को फैलाता है पर खुद सिक्योर रहता है, खुद उसके अंदर इतनी तेज़ी से फैलता नहीं है। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।